तो हे गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लियोनेल मेसी से। ESPN FC ने एक रिपोर्ट शेयर किया था, इंटर मियामी'स फॉलोअर्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 मिलियन टू 15 मिलियन सिंस अनाउंसिंग द साइनिंग ऑफ लियोनेल मेसी। तो इन्होंने बताया कि इंटर मियामी जब से लियोनेल मेसी को साइन किया है, तब से उनके फॉलोअर्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले बताया जाए कि उनका 1 मिलियन फॉलोअर्स था और करंटली उनका 14.9 मिलियन फॉलोअर्स, मतलब ऑलमोस्ट 15 मिलियन। नेक्स्ट बात करने वाले रोहित शर्मा के बारे में। तो रोहित शर्मा रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था, आई वांट टू ब्रेक क्रिस गेल्स सिक्स हिटिंग रिकॉर्ड, नेवर इन माय लाइफ आई वुड हैव इमेजिनड दैट आई विल ब्रेक क्रिस गेल्स रिकॉर्ड। तो रोहित शर्मा इंटरव्यू में कहा कि मुझे क्रिस गेल के सिक्स हिटिंग रिकॉर्ड को तोड़ना है। उन्होंने बताया कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उनके रिकॉर्ड को तोड़ने वाला हूं। आपको बता दें कि क्रिस गेल के टोटल सिक्सेस 553 है, रोहित शर्मा के भी 539 हो चुके हैं। बहुत ही जल्द रोहित शर्मा क्रिस गेल के सिक्सेस के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। नेक्स्ट बात करने वाले केएल राहुल के बारे में। केएल राहुल इन द प्रैक्टिस सेशन द बैकबोन ऑफ मिडिल ऑर्डर इज बैक। ऐसा न्यूज है, केएल राहुल बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हुए नजर आए श्रीलंका में। उन्होंने काफी देर राहुल द्रविड़ से बात भी की है और बताया कि वो बिल्कुल फिट और शायद वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बारे में। एक बहुत अच्छी न्यूज निकल गई सारे क्रिकेट फैंस के लिए। ऐसा बताया जाए कि देयर विल बी रिजर्व डे ऑन 11 सितंबर ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच इफ देयर नो प्ले पॉसिबल ऑन 10। ESPN की तरफ से न्यूज सामने आई कि ऐसे बताया जाए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच 10 तारीख को कैंसिल होता है। अगर मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाता है तो इस मैच के लिए एक रिजर्व डे दिया जाएगा। एक बहुत अच्छी न्यूज है, अगर 10 तारीख को मैच नहीं होता तो हमें 11 तारीख को मैच देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करने वाले यूएसए वुमेन्स क्रिकेट टीम के बारे में। अ सॉलिड 25 रन विन्स बाय यूएसए वुमेन टू रिमेन अनबीटन इन द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप अमेरिकास क्वालिफायर। तो इस टी20 वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर मैच चल रहा है अमेरिका में, इसमें यूएसए की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने कनाडा की वुमेन्स क्रिकेट टीम को हरा दिया 25 रनों से और इस वक्त इस क्वालिफायर में यूएसए वुमेन्स की क्रिकेट टीम टॉप पर है। नेक्स्ट बात करने वाले महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो एक न्यूज सामने आई थी, एमएस धोनी विद फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ही वाज इनवाइटेड बाय ट्रंप फॉर ए गोल्फ गेम, द मैडनेस ऑफ एमएसडी इन द यूएसए। तो ऐसे बताया जा रहा है कि यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एमएस धोनी को इनवाइट किया था गोल्फ गेम के लिए। कुछ फोटोज वगैरह बाहर आए, आप देख सकते हो, साथ में एक वीडियो भी बाहर आया जिसमें एमएस धोनी गोल्फ खेलते हुए नजर आ रहे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। नेक्स्ट बात करने वाले नीदरलैंड क्रिकेट टीम के बारे में। द 15 मैन हु विल रिप्रेजेंट द नीदरलैंड्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ, विकेट कीपर बैटर नो कॉज एंड फास्टर बॉलर काइल क्लेन विल बी द टू ट्रैवलिंग रिजर्व इन द स्क्वाड। उन्होंने अपना पूरा 15 लोगों का स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दिया वर्ल्ड कप के लिए, जो कि इंडिया ही खेलने के लिए, और साथ में उन्होंने एक विकेट कीपर बैट्समैन और एक फास्टर बॉलर को रिजर्व रखा है। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो उनके रिप्लेसमेंट में ये दोनों खेल सकते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले मिचेल स्टार्क के बारे में। तो कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि मिचेल स्टार्क ने खुद ऐसे बताया कि वो आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। मिचेल स्टार्क ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो 2024 के आईपीएल में खेले, इसके बाद सारे आईपीएल टीम के जो फैंस हैं उनका अलग तरह की एडिटिंग चालू कर दी है। सो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वो कौन से टीम में जाने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए।